और मेरे को पेट में जलन और एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत थी, और बाद में मैंने एंडोस्कोपी करवाया तो पता लगा कि हर्निया है मेरे को। तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा पेट में जलन होती थी, और सुबह उठते ही मतलब पूरा ज्यादा जलन, इवन अगर खाली पेट में पानी भी पीता था तब भी मेरे को जलन होती थी, और खाना खाते ही पूरा पेट में भारी भारी और गैस पूरा बना रहता था, और सर में दर्द रहता था पूरे दिन। ज्यादा मैं खाना खा भी नहीं पाता था। और उसके बाद मैंने मेडिसिन लिया, तो 1-2 महीने मैंने मेडिसिन लिया, तो मेडिसिन लेते ही तुरंत आराम मिल जाता था, तो उसके बाद तुरंत मेडिसिन जैसे ही छोड़ो आप वही सेम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता। फिर मैंने मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर अरुण भारद्वाज को दिखाया, और फिर मेरा सर्जरी प्लान हुआ। 14 जून को मेरा सर्जरी हुआ लेप्रोस्कोपिक, और 2 दिन बाद मेरे को छुट्टी मिल गई 16 तारीख को। और उसके बाद मैंने थोड़े दिन मेडिसिन लिया, हफ्ते भर मैंने लिक्विड डाइट लिया, उसके बाद अभी मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ है, मतलब एसिड तो बिल्कुल भी नहीं है अब, मैं मतलब बेटर फील कर रहा हूँ। और खाने पीने की जहाँ तक बात है, खाने पीने में मैं अभी 15 दिन लिक्विड डाइट लिया था, उसके बाद मैं रोटी खाना शुरू कर दिया, तो शुरू शुरू में तो थोड़ा टाइट रोटी गया था, उसके बाद में बिल्कुल स्मूथ अभी जा रहा है। अब सब कुछ मैं खाता हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, अच्छे से खा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, स्टूल पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं है, अब बेटर फील हो रहा है। पेशेंट मिस्टर संदीप, इन्होंने हमें ओपीडी में आके दिखाया। बेसिकली इनको रिफ्लक्स का इशू था कि कुछ भी खाते थे तो इनको बेसिकली वो ऊपर आना शुरू हो जाता था खाने के टाइम। उनको खाने के बाद तुरंत काफी डिस्कम्फर्ट महसूस होता था और वो इनटेक भी उनका काफी कम हो गया था। हमने उनकी एंडोस्कोपी कराई तो उसके अंदर बेसिकली एक हाइएटस हर्निया आया, जिसका मतलब है कि फोर पाइप और स्टमक के बीच में एक डायफ्राम की मसल होती है, उसका छेद जो है वो बढ़ गया था। उसकी वजह से जो एसिड है वो रिफ्लक्स होता था, बैक होके फूड पाइप में चला जाता था। तो इनकी फिर हमने सर्जरी प्लान की, जैसे हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं, जो दूरबीन द्वारा होती है छोटे छोटे कट से, और लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन जो रिफ्लक्स सर्जरी है, बेसिकली उस डिफेक्ट को बंद करना जो हर्निया का डिफेक्ट है, और साथ में प्रिंसिपली एक रैप बनाना जिससे पेशेंट का जो एसिड है वो वापस ऊपर ना जाए। तो इसके लिए पेशेंट एडमिट हुए और हमारे अंडर 2 दिन के लिए भर्ती थे और डिस्चार्ज कर दिए गए। उसके बाद धीरे धीरे उनको सॉफ्ट डाइट पे शुरू करके नॉर्मल डाइट पे लाया गया 1 हफ्ते में, और अभी वो सब कुछ खा पा रहे हैं, उन्हें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो अप में ही एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। तो जिनको बहुत लंबे टाइम तक ये रिफ्लक्स के इश्यूज रहते हैं, उनकी एंडोस्कोपी करा के टेस्ट और जांचें करना जरूरी है, और कई बार हमें इसमें सर्जिकल करेक्शन करनी पड़ती है, जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी से आराम से हो जाती है, बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के, बिना कोई लंबे हॉस्पिटल स्टे के।